नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोक स्टडी एजुकेशन चैनल पर। मैं रवि कुमार, आज आपका मैथमेटिक्स शुरू करेंगे। पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम शुरू करते हैं, जिसमें कि हमारा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। इसमें कि टाइप फर्स्ट है हमारा टाइप फर्स्ट में है कि 0.3 पर बार। इसको कैसे लिखेंगे, 0.3 जिस पर बार है उसके नीचे नो लिखा जाएगा, तो ये हो गया 1/3। अगर मैं इसे सीधे करना चाहता हूँ तो इसे देखो, मैं मान के चलता हूँ, यदि मान लो x बराबर मान के चलो 0.3 पे बार है, x बराबर, या इसे ये मान के चलो 0.3 को हम अगर x की वैल्यू लेते हैं तो 0.3 बार का मतलब है 3 3 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक चलेगा। इसे अशांत भिन्न कहते हैं। और अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ टेन की, टेन मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा, टेन एक्स बराबर, इधर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3.3333 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब यदि मैं दोनों को अलग अलग तोड़ता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, टेन एक्स बराबर 3 प्लस 0.3333 इन्फिनिटी तक। अब मैंने देखा कि इसकी वैल्यू x मैंने यह माना था, लेट ये लिया था मैंने, अब मैं यह देखूंगा टेन एक्स बराबर 3 प्लस, ये हो गया हमारा x। अब x को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो टेन एक्स माइनस एक्स, टेन एक्स माइनस एक्स बराबर आ गया 3, तो ये हो गया 9x बराबर 3। तो यहाँ हमारा x की वैल्यू होगी 3/9 या 1/3। तो इसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि जहाँ भी हमारा 0.4 पे बार होगा तो इसका मतलब है 4 नीचे लिखेंगे और बार की वैल्यू 9 होगी। यदि मैं लिखता हूँ 0.44 पर बार, इसका मतलब 44/99। तो एक हमारा टाइप यह है कि बार को हम हल कैसे करते हैं, सोल्व कैसे करते हैं। बार का मतलब होता है कि जितने पे बार होगा उतनी ही बार 9 की संख्या लिखी जाएगी। लिखो, लिखिएगा, अब 4 पे बार लगाया है तो 4/9 और 44 पे बार है तो 44/99 उतारो। नंबर सिस्टम का टाइप वन है ये। इसी प्रकार अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आएंगे, मैं उसके कुछ एग्जांपल बताऊंगा जिसे आप किसी भी बुक से आप उसे हल कर सकते हैं। देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप के अंदर एक सब टाइप है, जैसे कि मैं लिखता हूँ 0.123 पर ओनली 3 पर बार है। अब मैं मान कर चलता हूँ अगर मैं यहाँ लिखता 0.123 पर तीनों पे बार, अब इस बार को खोलने के लिए 123/999 ये होता इसका आंसर।
पर यहाँ ओनली 3 पर बार है। अब मैं अगर मैं 3 का बार खोलूँ तो क्या मैं कैसे खोलूँगा, देखो 1 2 3 ये लिखा, बार से पहले 2 संख्याएं हैं, अब उन्हें मैं माइनस करूँगा 12। अब इसके नीचे क्या लिखूँगा, जिसके ऊपर बार है या जिसके ऊपर छतरी है वो राजा है, और जिसके ऊपर छतरी नहीं है वो भिखारी है। तो सीधा सीधा पता लग रहा है कि छतरी वाला राजा है और उसके आगे जितनी भी संख्या बची है वो गरीब हैं या भिखारी हैं, तो उन्हें हम 0 लिखेंगे। अब देखो हल करते हैं इसको, तो 3 में से 2 का 1, 2 में से 1 का 1 और 1, तो आंसर आया 1 1 1 9 0। अब इसके बाद को हम ऐसा कोट करते हैं, ये बार खोलने का तरीका है, एक तरीका और है इसमें एक सवाल का, देखिएगा एक टाइप का ये सवाल है, वहाँ मैंने बताया 0 पॉइंट इस तरफ की संख्याएं सोल्व करना, अब एक क्वेश्चन आ गया 3.45 पर बार, बताओ इसे कैसा करोगे। इसका सीधा सीधा आंसर है 3 का किसी से कोई लेना नहीं, तो 3 को तो अलग छोड़ दो, प्लस क्या बचा यहाँ 0.45 में 5 के ऊपर बार, 3 प्लस, अब यहाँ पर क्या करना 45 पूरा लिखेंगे, बार की संख्या को छोड़कर जो संख्या बची उसको -4 लिखेंगे, नीचे जिसके ऊपर बार है वो राजा है और जिसके ऊपर बार नहीं है वो 0 हो गया। अब मैं यहाँ क्या लिखूँ सब, 3 प्लस 41/90, या फिर इसको हम क्या लिख लेते हैं 3 सही 41/90, क्योंकि प्लस की वैल्यू जो होती है वो सही में भी लिखी जाती है, तो इसके एक तरीका ये भी होगा लिखने का सवाल। तो इस तरीके से हम सवाल को सोल्व कर सकते हैं। इसमें अगर मैं एक टाइप और लेकर चलता हूँ, अगर मान लो यहाँ पहली बार ही बार आ गया, अब क्या करोगे भाई, मैंने अलग अलग तरीके से बार लगा के दिखाया, एक बार अगर ऐसे आता है इसको मैं कैसे सोल्व करूँगा, यहाँ की तरफ पॉइंट के इस तरफ अगर बार होगा तो मैं उसे लिखूँगा -2, बार का मतलब प्लस 0.45, अब से सोल्व कर लो इतना भी आंसर आएगा, कितना होगा 2.00 -45, 5 9 में से 4 गया 5, तो ये आ गया -1.55। अब मैं यदि हल करता हूँ 1 पे बार 0.55, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। इसका सोल्व करने का तरीका ये है, अगर नंबर के पहले पॉइंट से पहले अगर कोई बार आता है तो हम उसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, चलिए एक सवाल कराता हूँ मैं, देखिएगा एक सवाल, एट पर बार 0.156 प्लस 3 पर बार 0.518 माइनस 17 पर बार 0.476, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, क्या तरीका होगा उसका सोल्व करने का। देखिए अब मैंने इसमें क्या देखा,
बार का मतलब है माइनस आठ। अगर मैं बार को खोलूंगा पॉइंट के इस तरफ तो माइनस आठ आएगा, प्लस जो बचा 0.156, यहाँ भी प्लस की जगह ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री पे बार और प्लस 0.518। यहाँ माइनस पहले ही है तो माइनस माइनस होगा, प्लस 17 पे बार ख़त्म हो गया और प्लस 0.476। एक ही रुपये से देखते हैं हम, ये माइनस हमारा इसके साथ नंबर के साथ लगा हुआ है, तो हम ब्रैकेट में लेके करते हैं इसे। तो बार अगर मैं खोलूँगा तो माइनस हो गया ये, प्लस 0.476। अब देखो ये बार वाली नंबर है, इससे में बार ख़त्म हो गया तो माइनस आठ माइनस थ्री और ये माइनस माइनस होगा प्लस 17। ये नंबर एक साथ लिख दिए, उसके बाद में ये अलग अलग लिखो 0.156 प्लस 0.518 और माइनस प्लस माइनस 0.476। जोड़ो जी, आठ और तीन ग्यारह, 17 में से छः, 11 के कितने बचे 6, क्योंकि 6 किसके बचे प्लस के। अब ये देखो जोड़ते हैं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ 8 और 6 14, 5 और 1 6 और 1 7, 5 और 1 6 पॉइंट, और ये क्या कहा है माइनस का 0.476। ये हमारा क्या आया 6 प्लस, अगर मैं घटाता हूँ 14 में 6 गया 8, यहाँ का बचा 6, 16 में 7 गया 9 और 5 में 4 गया 1, कितने का 0.6198। अब मैं सब करता हूँ तो 6.198 इसका आंसर आ गया 6.198। इस तरीके से इस ये क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब एक क्वेश्चन है हमारा 2.164 पर बार प्लस 16.032 पर बार प्लस 8.1 पर बार, इसे कैसे सोल्व करोगे। वहाँ इससे पहले वाले सवाल में मैंने शुरुआत में बार लिखा था, अब यहाँ कैसे सोल्व करोगे इसमें। देखो इसे सोल्व करने के लिए पहले संख्याएं लिखी जाती हैं 1.6444 इन्फिनिटी तक होंगे, उसके बाद में 16.0 लिखने के बाद 32 इसके नीचे लिखना 0 32 32 32। अगला है 8.111111111, जोड़ो भाई। अभी हमारा 4 होगा, ये हमारा 2, 4 और 2 6 अरे 7, 4 और 3 7 अरे 8, 4 और 2 6 अरे 7, 4 और 3 7 अरे 8, 4 और 2 6 अरे 7, 6 और 3 9 अरे 10 की 0 आखिर को 1 अरे 2 अरे 3, ये कितना होगा 8 6 14 2 16 1 अरे 2
तो यार 26.307878 तो मैं से कैसे लिखूँगा 26.3078/12, क्योंकि 7878 संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है जी, इसी टाइप के क्वेश्चन चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, सभी इसी टाइप में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। चले इसके बाद आता है टाइप सेकंड, टाइप टू। टाइप टू के अंदर होता है कंटिन्यू भिन्न, कंटिन्यू भिन्न फ्रैक्शन। कंटिन्यू फ्रैक्शन में क्या होगा, सतत भिन्न बोलते हैं जिसे, जैसे कि हमारा वन प्लस वन बाई वन प्लस वन बाई वन प्लस टू, ये इस तरीके से कंटिन्यू भिन्न है। इसे कैसे सोल्व करोगे, इसे सोल्व करने का एक बेस्ट मेथड है कि हम नीचे से चलते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। नीचे से शुरू करने के लिए पहले ये सोल्व करते हैं। देखो वन प्लस वन बाई वन प्लस वन बटे, नीचे सोल्व करूँगा तो क्या आएगा यहाँ पे, टू एलसीएम टू प्लस वन तीन बाई दो। अगर मैं यहाँ सोल्व करता हूँ वन प्लस वन बटे वन प्लस, ये ऊपर पहुँच गया दो बाई तीन बराबर वन प्लस वन बटे तीन और दो पाँच बटे तीन, तो तीन ऊपर आ गया, ये आ गया पाँच और तीन आठ बटे पाँच, इसका अंतर हो गया। तो एक स्टेप के बाद एक स्टेप, अगले स्टेप के बाद अगले स्टेप, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखो इसमें हमारा ये एक सीक्वेंस बना हुआ नीचे की तरफ चलना है, तो हम क्या है नीचे से शुरू करते हैं करना, हमारा टू है टू एलसीएम लिए नीचे ये वाला सोल्व करेंगे, तो ये होगा टू एकम टू टू वन जो थ्री, तो ये हमारा होगा थ्री बाई टू, ये हमारा थ्री बाई टू है, यहाँ पे क्या लिखा मैंने थ्री बाई टू, ये थ्री बाई टू जब ऊपर पहुँचाएंगे इसे यहाँ पर पहुँचेगा तो इसके साथ में ये हो जाएगा वन, यानी कि थ्री बाई टू का उल्टा होगा टू बाई थ्री इंटू वन, और टू बाई थ्री इंटू वन इसे यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूँगा तो कितना बनेगा, ये बनेगा एलसीएम लेने के बाद पाँच बाई थ्री। अब पाँच बाई थ्री में थ्री बाई फाइव फिर पलट गया, तीन बटे पाँच हो गया यहाँ पलटने के बाद प्लस वन के साथ। अब पाँच एलसीएम ले लिया, पाँच प्लस तीन बनाओ आठ बटे पाँच, एक 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 स्टेप बाई ये ख़त्म हो जाता पूरा क्वेश्चन, स्टेप बाई स्टेप करते हुए ये कंटिन्यू वाला भी ख़त्म हो जाती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एक क्वेश्चन हो रहा है इस टाइप में। एक्स बराबर ए प्लस वन वाई, ए प्लस वन वाई, ए प्लस वन वाई, यानी कि इन्फिनिटी तक है ये कंटिन्यू चल रहा है। हमने क्या है लेट मान लिया, लेट एक्स बराबर इतना, अब यदि मैं इसे हल करता हूँ तो यहाँ पर x बराबर
ए प्लस एक बटे एक्स, क्योंकि पूरी की वैल्यू एक्स है इन्फिनिटी। अब वैसे यदि यहाँ पर एलसीएम लूँगा तो क्या बनेगा, एक्स यहाँ एलसीएम ले लिया ए एक्स प्लस वन। अब यहाँ से यहाँ ले जाऊँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स वो माइनस वन बराबर जीरो। ये एक हमारा क्या हो गया इक्वेशन। अब यदि इस इक्वेशन को मैं हल करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस जीरो, तो एक श्रीधराचार्य की विधि है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए। इसको इसमें पुट करते हुए हम श्रीधराचार्य विधि से हल कर सकते हैं। ये जब आएगा क्वेश्चन तो पता हो जाएगा उसमें। अभी हमारा टाइप टू के बाद में कुछ थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड देखते हैं कि किस कैसे हल करा जाता है शॉर्टकट मेथड से। जैसे मैं 25 का स्क्वायर निकालना चाहता हूँ जिसमें भी पाँच की डिजिट आती है उसका क्या मतलब है कि पाँच का वर्ग कितना होगा 25। पाँच का वर्ग इस डिजिट का, इसका पाँच का वर्ग होगा 25। दो की अगली संख्या नेक्स्ट संख्या कितनी है 3, तो इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करूँगा 2 × 3 = 6। तो इस तरीके से हम इसका कोई भी पाँच की संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं 45 का निकालना चाह रहा हूँ, देखो 5 का कितना है 25, 4 के बाद अगली संख्या है 5, दोनों की गुणा कर दी 5 × 20। कितने का भी 5 की संख्या का कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, ट्राई करके देख सकते हो आप। अब यदि मैं निकालना चाहता हूँ कोई भी संख्या 35 का निकालो, देखो 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद अगली संख्या 4 × 3 = 12, ये होगा क्या 35 का, किसी का भी निकाल लो 15 का निकाल लो, चलो 15 का देखो क्या होगा, 5 का वर्ग 25, 1 के बाद अगली संख्या 2, तो 1 × 2 = 225। तो 5 के जितने भी स्क्वायर हैं उनकी अगली संख्या को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हम स्क्वायर निकालने की एक शॉर्टकट और बेस्ट मेथड देख सकते हैं। ये एग्जाम में काम आती है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता सोल्व करने का, तो उस समय इस तरीके के हम शॉर्टकट लगा सकते हैं। चलिए अब कल हम बताते हैं और शॉर्टकट मेथड जिसमें कि 3 डिजिट का शॉर्टकट निकाल सकते हैं। 2 डिजिट का तो आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं, बाकी जैसे 102 का निकालना, 106 का निकालना, 108 का निकालना, ये जितनी भी डिजिट होंगी वो बेस्ट मेथड होगा, वो हम कल बताया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।